Islamic students, how you all? Jee students, Jamaat Panjam का आज पांचवा हफ्ता स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें आप लोगों का सबक नंबर 5 है, जिसका उनवान है खेल हमारे। आप इस लेसन में पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों के खेलों के बारे में पढ़ेंगे कि मुख्तलिफ सूबों में कौन कौन से खेल जो हैं खेले जाते हैं, कौन से खेल ज्यादा मशहूर हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? जी स्टूडेंट्स, खेल हमारे खास लेसन आप लोगों का है खेल हमारे, जिसके खास अल्फाज हैं इन आकार इंतजाम करना, कबड्डी एक खेल का नाम है, मुंसलिक जुड़ा हुआ, रक्स नाच और ऊंच नीच भी एक खेल का नाम है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप लोग अपनी बुक्स ओपन कीजिए, बुक्स सॉरी अपनी बुक्स से देखिए सफर नंबर 24। जी खेल हमारे लेसन में स्टूडेंट्स आप लोगों को बताया जाएगा कि मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ प्रोविंसेस मतलब सूबों में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं और कौन से खेल ज्यादा मशहूर हैं। हर साल मौसम बहार की आमद के साथ ही मुख्तलिफ तफरीही मेलों का इनेकाद किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, खेल हमारे लेसन में आप लोगों को मुख्तलिफ सूबों के खेलों के बारे में बताया जाएगा, जिसमें सिंध है, जैसे सिंध में कौन कौन से खेल मशहूर हैं, यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है मालाकड़ा, वनजवटी और बेला राहू शामिल है। इसी तरह से पंजाब के मशहूर खेलों के बारे में बताया गया है। अगर आप लोग अपनी बुक से सफर नंबर 25 देखें तो आप लोगों को यहाँ पे नजर आएगी कुछ पिक्चर्स, यहाँ पे कुछ खेलों की पिक्चर्स दी गई हैं, कुछ तस्वीर के साथ उनको नुमाया किया गया है। जैसे ये गिल्ली डंडा है खेल, कोकला छपाकी है, पिट्ठू गोल गरम खेल। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे है कि पंजाब के मशहूर खेलों में कबड्डी, गिल्ली डंडा, कोकला छपाकी और ऊंच नीच शामिल है, और जो क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और बैडमिंटन है वो तमाम सूबों में पसंद किया जाता है और ये खेल लोग शौक से खेलते हैं। इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा के खेलों के बारे में बताया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, क्रिकेट है, हॉकी है, रस्साकशी है और घुड़सवारी। ठीक है स्टूडेंट्स, बलोचिस्तान के मशहूर खेल कौन से हैं, कोह पेमाई, पहाड़ों पर चढ़ना, रस्साकशी और कश्ती रानी। इसी तरह से आप जब सारा लेसन ये रीड आउट करेंगे तो आप लोगों को तफसीलन आप लोग जान पाएंगे कि किस तरह से मुख्तलिफ सूबों में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पाकिस्तान के मुख्तलिफ खेलों के बारे में आप लोगों को मालूमात दी गई हैं इस लेसन में। आप लोग एक्सरसाइज में आए, सबसे पहले आप लोगों की तफहीम है, इन सवाल के जवाब लिखें, सुबह सिंह के दो इलाकाई खेलों के नाम लिखें, सुबह सिंह के दो इलाकाई खेलों के नाम लिखें। स्टूडेंट्स जब आप लोग रीड आउट करेंगे रीडिंग लेसन को रीड आउट करेंगे तो आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा, इसके अलावा आप लोगों को इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसी तरह से सवाल नंबर 2 है आप लोगों का, दुरुस्त बयान के सामने टिक और गलत जवाब के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। ये भी आप लोगों का तख्लीकी काम ही है, आप लोग खुद इसको करेंगे। सूबाई हुकूमत ने बैनुल अक़वामी खेलों के फ़रोग़ के लिए मेले का अहतमाम किया था, सूबाई ये क्रॉस है। ठीक है, बलोचिस्तान के मशहूर खेलों में को पैमाई, रस्साकशी और कश्ती रानी शामिल है, टिक। इसी तरह से जब आप लोग पढ़ते जाएंगे लेसन तो आप लोगों के ये खुद ब खुद जो है आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। उसके बाद देखें अल्फाज साजी, लख के वो हरूफ या अल्फाज जो किसी दूसरे बामाही लफ्ज के साथ लफ्ज के आखिर में आते हों और इसके मायने में तब्दीली पैदा कर देते हैं लख के कहलाते हैं। मसलन खुदा के बाद प्रस्त लगा दिया जाए तो खुदा प्रस्त नए मायने देने लगता है। लोगों को मिसाल के मुताबिक हरूफ मिलाकर अल्फाज बनाए और दुरुस्त लाके से पहले लिखें। ठीक है, यहाँ भी हमें कुछ लाके दिए गए हैं जिसमें खाना है और दूसरे नंबर पे है मन। ठीक है, लाके दिए गए हैं, हमने इनसे पहले बामानी लफ्ज लगाकर पूरा बामानी लफ्ज बनाना है। ठीक है, जैसे हमारे पास खाना है तो हम क्या लगा देंगे, पहले बावर्ची,
बावर्ची, बावर्ची लगाने से ये हमारे पास पूरा एक लफ्ज बन गया बावर्ची खाना। इसी तरह मंद है, इसके साथ ये हमें लहका दिया गया है, इसके साथ हम लगा देंगे जरूरत, तो ये क्या बन जाएगा, जरूरत मंद। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को कुछ हरूफ दिए गए हैं, आप लोगों ने इनसे वर्ड्स बनाने हैं। ठीक है, ये देखें, यही वाले वर्ड्स आप लोगों ने यहाँ पे इस्तेमाल करने हैं लहके से पहले। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखें, बे अलीफ बाओ रे चे छोटी ये, तो क्या बन गया, बावर्ची। हरूफ को मिलाकर अल्फाज बनाए, ठीक है, और दुरुस्त जो लहके हैं उनके सामने ये वाले हरूफ अल्फाज जो हैं वो लगाने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ भी ये आप लोगों का पहला वर्ड मैं बता भी देती हूँ आप लोगों को, जो पहला लफ्ज है वो आप लोगों का बावर्ची बनेगा, दूसरा आप लोगों का बन रहा है जरूरत, हैरत, आलम, दुकान। ठीक है, जरूरतमंद, हैरत अंगेज, आलमगीर, दुकान, दार फोर है, इन अल्फाज का एराब लगाएं और दुरुस्त लफ्ज से पढ़ें। ये आप लोगों को पहले जो है वो प्रैक्टिस करवाई गई है, दो बल्कि तीन लेसन तक आप लोगों को एराब लगाने की प्रैक्टिस करवाई गई है स्टूडेंट। अब आप लोग एराब खुद लगाएंगे, और अगर अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम भी है तो नो प्रॉब्लम, आप लोगों को इसके नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर 29 आप लोग ओपन कीजिए, जबानदानी। सवाल नंबर 5 है आप लोगों का, दिए गए पैराग्राफ में इसम अलम, इसम अलम, इसम जमीर, इसम इशारा और इसमें मसूल अलग अलग करके लिखें। निमरा और फरहा दो बहनें हैं, वो बहुत जहीन हैं, इन्हें नज्मों की किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। एक दिन दोनों अबू जान के साथ बुक स्टॉल पर गईं, जैसे ही इन्होंने सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम की किताबें देखी, फरहा बोली ये किताब तो देखो। निमरा ने कहा हाँ, रंगीन सरवर्क वाली टूट टूट की किताब उमदा लग रही है। जो ही इन्होंने अबू जान से नज्म की किताब लेने की फरमाइश की, अबू जान ने फौरन ले ली और वो खुशी खुशी घर आ गई। आप लोगों ने क्या करना है, इस पूरे पैराग्राफ में से इसमें अलम, इसमें जमीर, इसमें इशारा और इसमें मसूल जो है वो अलग अलग करने हैं। इसमें अलम जो है वो किसी भी शख्स के नाम को कहते हैं, इसमें जमीर ऐसा इसम है जो किसी भी नाम की जगह पे इस्तेमाल हो, इसमें इशारा एक ऐसा इसम जो इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसमें इशारा कहलाता है, और इसमें मसूल एक ऐसा इसम है जब तक इसके साथ हम दूसरा जुमला नहीं लगाते ये अपने मायने पूरे नहीं देता। मैं आप लोगों को एक एक एग्जाम्पल, एक एक इसमें से एग्जाम्पल करके दिखाऊंगी, बाकी आप लोग खुद फाइंड आउट करके इसको लगाएंगे, इस सॉरी कॉलम को जो है वो फिल करेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम आप लोगों को आती है तो इसमें कोई इश्यू नहीं है, आप लोगों को इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें अल्फ आ रहा है, तो इसमें अल्फ में सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें जमीर ऐसा इसम जो किसी भी नाम की जगह पे इस्तेमाल हो, जैसे यहाँ पे निमरा और फरा दो बहनें हैं, निमरा और फरा की जगह आगे उन्होंने क्या किया, इसमें जमीर का इस्तेमाल किया, वो बहुत जहीन है, तो ये वाला जो वो है वो इसमें जमीर है, वो लगा सकते हैं। उसके बाद इसमें इशारा, फ्रेंड्स इस पैराग्राफ को आप लोग गौर से पढ़ें, निमरा और फरहा दो बहनें हैं, वो बहुत जहीन हैं, इन्हें नज्मों की किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। एक दिन दोनों अबू जान के साथ बुक स्टॉल पर गईं, जैसे ही इन्होंने सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम की किताबें देखी, फरहा बोली ये किताब तो देखो। निमरा ने कहा हाँ, रंगीन सरवक वाली टूट बटूट की किताब उमदा लग रही है। जो ही इन्होंने अबू जान से नज्म की किताब लेने की फरमाइश की, अबू जान ने फौरन ले दी और खुशी खुशी घर आ गई। इसमें अलम वो नाम है जो किसी खास शख्स की पहचान के अलामत के तौर पर इस्तेमाल होता है। इस पैराग्राफ में खास शख्स कौन है, सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम। वो के बाद यहाँ इन्हें भी इसमें जमीर है, इन्हें ये देखिए ना, इन्हें नज्मों की किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, इन्हें से मुराद फरहा और निमरा, तो ये यहाँ पे इन्हें जो है ये भी इसमें जमीर है। उसके बाद उन्होंने, जैसे ही उन्होंने, उन्हों भी यहाँ पे इसमें जमीर है। ठीक है, मैंने आप लोगों को सिर्फ वो जो है यहाँ पे वो लगा दिया है, बाकी आप लोग खुद राइट करेंगे यहाँ पे।
उसके बाद हमारे पास आता है इसमें इशारा। इसमें इशारा एक ऐसा इस्म होता है जो किसी भी चीज की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और दूर की चीज के लिए हम जो इशारे के लिए इस्तेमाल करते हैं इस्म वो है वो, और नजदीक की चीज के लिए हम जो इसमें इशारा इस्तेमाल करते हैं वो है ये। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, ये किताब देखो, इसमें ये जो है इसमें इशारा है। और इसमें मौसूल ऐसा इस्म होता है कि जब तक इसके साथ हम कोई दूसरा जुमला नहीं लगाते ये अपने मायने पूरे नहीं देता। अगर आप ये वाली लाइन पढ़ोगे तो आप लोगों को इसका बखूबी अंदाजा हो जाएगा। जैसे ही उन्होंने सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम की किताबें देखी, यहाँ पे वक्फा भी आ रहा है, फरहा बोली ये किताब तो देखो। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही क्या है देखी, देखी तक उसके मायने मुकम्मल नहीं हो रहे, वो कोई मायने नहीं दे रहा है। जैसे ही उन्होंने सूफी गुलाम मुस्तफा की किताबें देखी आगे उन्होंने क्या किया, ठीक है, फरहा बोली ये किताब तो देखो। ठीक है, यहाँ पे आगे जुमला जो है वो पूरे मायने दे रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही वर्ड जो है वो इसमें मौसूल है, इसी तरह इसमें से जो ही उन्होंने अबू जान से नजम की किताब लेने की फरमाइश की, ये देखें यहां तक ये जुमला है, लेकिन हमें इसका आगे मतलब पूरा समझ नहीं आ रहा कि फिर क्या किया अबू जान ने, क्या किया अबू जान ने, फौरन ले दी और वो खुशी खुशी घर आ गई। अब जो ही यहाँ पे जो है वो भी क्या है इसमें मौसूल। यहां तक आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट नेक्स्ट आप लोगों के पास दरख्वास्त है, 29 पे आप लोगों को एक दरख्वास्त दी गई है, ये आप लोगों का तख्लीकी काम होगा। दरख्वास्त एक ऐसी तहरीर होती है जिसमें कोई अपनी जरूरत किसी जिम्मेदार शख्स से बयान करता है। दरख्वास्त लिखते हुए कुछ बातों का खुसूसी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। मिसाल के लिए एक दरख्वास्त के आगाज और अंजाम का खाका दिया जा रहा है। सफर नंबर 30 पे आप लोग देखें और व्हाइट बोर्ड पे आप लोगों को लिखा हुआ नजर आएगा। आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि दरख्वास्त के चार हिस्से होते हैं। सबसे पहले हिस्से को सरनामा बोलते हैं, जिसमें हम लोग जिस पर्सन को दरख्वास्त लिख रहे होते हैं उसके साथ एड्रेस किया जाता है, खिदमत जनाब प्रिंसिपल गैरिजन स्कूल सिस्टम जंग सदर, सरनामा बोलते हैं पहले हिस्से को। दूसरा जाता है जनाबी आली, ये अलकाब कहलाएगा। और जो आप लोगों की तहरीर है जिसमें आपने अपनी किसी भी जो गुजारिश करनी है वो तहरीर आप लोगों की क्या कहलाएगी, नफ्से मजमून। ठीक है स्टूडेंट्स, और आखिर में जब आप लोग यहाँ पे लिख देते हैं अल आरिस और साथ में आप किताबे फरमा शागिर्द या कोई भी, और इसके साथ आप यहाँ पे मोरखा लिखेंगे तो ये आप लोगों का क्या होगा इख्तिताम। चार हिस्से आप लोगों के मुकम्मल हो गए। सबसे पहले वाला हिस्सा आप लोगों का क्या है, सरनामा, अलकाब, नफ्से मजमून और इख्तिताम। यहाँ पे आप लोग एक दरख्वास्त तहरीर करेंगे, बेशक आप लोग फीस माफी की दरख्वास्त लिख दें यहाँ पे, ठीक है, फीस में कमी के लिए दरख्वास्त लिख दें। आप लोगों की दरख्वास्त लिखने का तरीका पूरे का पूरा आप लोगों को यहाँ पे समझा दिया गया है। यहां तक आप लोगों का मुकम्मल हो गया ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद सवाल नंबर 6 है, बुक से देखिए। आप अपने स्कूल में खेलों की तस्वीर से मुतल्लिक एक नुमाइश मुनअक्कद करवाने का ख्वाहिशमंद है, स्कूल के हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस के नाम दरख्वास्त लिखें और मकसद बयान करें। आप, मैंने अभी आप लोगों से कहा कि फीस माफी की या फीस में कमी की दरख्वास्त आप लोग ये वाली तहरीर कर लें। अब यहाँ पे आप लोगों को टॉपिक दे दिया गया है, आप वो ना राइट करें, ये वाला जो टॉपिक है आप इसको इस्तेमाल करते हुए ये वाली दरख्वास्त आप लोग लिखेंगे। आप एक ऐसी दरख्वास्त लिखेंगे जिसमें आप लोग अपने प्रिंसिपल के नाम दरख्वास्त लिख रहे हैं और खेलों की तस्वीर की नुमाइश मुनअक्कद करवाने के ख्वाहिशमंद हैं, यानी खेलों की खेलों की तस्वीर से मुतल्लिक एक नुमाइश मुनअक्कद करवाने के लिए आप लोगों ने ये दरख्वास्त लिखनी है, ये वाली। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों का लेसन जो है वो मुकम्मल हो गया। अब आप लोग होमवर्क देख लें अपना। आज का आप लोगों का होमवर्क है उर्दू सबक नंबर 5 के सवाल नंबर 2 से 6, यानी ये वो वाले क्वेश्चन है जो आप लोग बुक पे सॉल्व करेंगे, और जो बकिया मश्क है उसमें एक ही क्वेश्चन बचता है आप लोगों के सवाल के जवाब। सवाल नंबर 1 को आप लोगों ने कॉपी पर लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। ठीक है, और इसके साथ आप लोगों ने फीस माफी में कमी की दरख्वास्त इसके साथ आप लोगों ने करना है फीस में कमी की दरख्वास्त लिखनी है और याद करनी है कॉपी पे। जो बुक पे करनी है वो आप लोगों की अलग है,
जो कॉपी पे आप लोगों ने लिख दी है वो फीस में कमी की दरख्वास्त है। ये आप लोगों के यहाँ पे नोट्स में भी आप लोगों के नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। वो खिदमत जनाब प्रिंसिपल गैरिसन स्कूल सिस्टम जंग सदर जनाब आली। गुजारिश है कि मेरे वालिद साहब मजदूरी करते हैं, इनकी आमदनी निहायत कम है, इस कलील आमदनी में इनके लिए मेरी पूरी फीस अदा करना निहायत मुश्किल है। मैं अपनी जमात के 5 बेहतरीन तालिबिलमों में से एक हूँ, मेहरबानी फरमाकर मेरी फीस में कुछ फीसद कमी कर दें ताकि मैं अपने शौक के मुताबिक पढ़ाई जारी रख सकूँ। एन नमाजिश होगी अल आरिज। और नेक्स्ट आप लोगों का ये इख्तिताम, ठीक है, यहाँ तक आज का आप लोगों का लेसन मुकम्मल हो गया। आप लोगों ने सबक नंबर 5 मुकम्मल और उसके साथ दरख्वास्त अच्छे तरीके से याद करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। घरों में रहें, महफूज रहें।